Hello children, welcome to Moral Science class. Today we are going to read chapter 5, Don't Be Lazy. I'll see, नहीं बनना है. There are some people who do not think of tomorrow. ऐसे दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कल के बारे में नहीं सोचते हैं. They never feel sorry for wasting their time. उनको अपना समय बर्बाद करने में किसी तरह का कोई दुख नहीं लगता है. Here is the story of the grasshopper and the ant. इस चैप्टर में आप एक स्टोरी पढ़ेंगे जो grasshopper और ant की स्टोरी है. There was a grasshopper named Grazi. ग्रासहॉपर का नाम क्या है? ग्राजी. ही हैड अ हार्ड वर्किंग फ्रेंड. हार्ड वर्किंग फ्रेंड, मेहनती दोस्त. उसकी एक मेहनती दोस्त था, उसका नाम क्या था? एनी द एंट. उसका नाम क्या था? एनी. एंट यानी चीटी. इट वॉज समर सीजन. गर्मियों का मौसम था. एवरीथिंग लुक ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. सभी चीज़ें एकदम चमकदार और सुंदर थी. लेजी ग्राजी पास टाइम बाय सिंगिंग मेरिली एंड ईटिंग. और जो ग्राजी था वो अपना समय पास करता था गाने गाकर और खाना खाकर. वन डे ही सॉ हिज फ्रेंड. उसने एक दिन अपनी दोस्त एनी को, एनी गैदरिंग फूड. उसने क्या देखा? वन डे ही सॉ हिज फ्रेंड एनी गैदरिंग फूड. उसने अपनी दोस्त को देखा कि वो खाना इकट्ठा कर रही है. ही लाफ्ड एट हर. वो उस पर हंसा. एंड सेड. उसने कहा, व्हाट आर यू सो बिजी डूइंग. तुम क्या करने में इतना बिजी हो? Why do you work so hard? तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? Come here, यहाँ आओ, and enjoy the summer, और गर्मियों का मजा लो. And listen to my merry notes, और मेरे अच्छे अच्छे जो गीत हैं वो सुनो. Annie said, Annie ने जवाब दिया, No, dear Grazie, नहीं मेरे प्यारे ग्राजी. I do not have time. मेरे पास समय नहीं है. I have to store food for the winter season. मुझे सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना है. ग्राजी said, ग्राजी ने कहा, How greedy you are. तुम कितनी लालची हो. You are storing food for the next season. तुम अगले मौसम के लिए, आने वाले मौसम के लिए तुम खाना इकट्ठा कर रही हो. यू शुड इन्जॉय दिस सीजन. तुम्हें ये वाला मौसम के मज़े लेने चाहिए. एनी सैड. एनी ने कहा, डू नॉट सिट आइडली. थिंक फॉर ऑफ योर फ्यूचर. तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए. सनी डेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर. हमेशा सनी डे नहीं होता है. रोशनी से भरा हुआ दिन हमेशा नहीं होता है. ग्राजी स्टार्टेड लाफिंग एट एनी एंड सेड. ग्राजी जो है एनी पर हंसने लगा और उसने कहा, व्हाई शुड आई स्पॉइल माय प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर. मैं क्यों अपना आज कल के लिए बर्बाद करूं. लेट मी इंजॉय एंड हैव फन. मुझे मजे करने दो. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, विंटर कम, और सर्दियां आ गई. फूड वॉज गेटिंग स्केयर. और जो खाना था वो दुर्लभ होने लगा. ग्रेजी फाउंड इट रियली डिफिकल्ट टू गेट फूड. और ग्रेजी को जो है अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया. ही वॉज स्ट्रेविंग. ठीक है. वन डे ही वेंट टू एनीज हाउस टू आस्क फॉर सम फूड. अब वो खाने के लिए परेशान होने लगा और एक दिन वो क्या करा, एनी के पास आया खाना मांगने के लिए. एनी सैड. एनी ने कहा, नाउ वाई आर यू आस्किंग मी फॉर फूड. क्यों तुम अब मेरे से खाना मांग रहे हो.
When I told you, जब मैंने तुमसे कहा to store food, खाना इकट्ठा करने के लिए for the winter season, सर्दियों के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए जब मैंने तुम्हें कहा you did not bother, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया. You enjoyed entire summer singing merrily, तुमने पूरा समर जो है गाना गा के बिता दिया. Now enjoy the winter dancing. अब जो सर्दियां हैं तुम नाच कर बिताओ. I will not give you anything to eat. मैं तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगी. Okay? And she shut her door. और उसने जो है अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया. Then Grazie realized. तब Grazie को महसूस हुआ, उसे समझ में आया his mistake, उसकी गलती of not storing anything for winter, सर्दियों के लिए जो उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था वो गलती उसे समझ में आई. He felt sorry but could not bring back the time he had wasted. अब जो समय उसने बर्बाद कर दिया था वो उसे वापस नहीं ला सकता था. अब वो पछता रहा था. टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड. जो समय बर्बाद हो जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये छोटी सी स्टोरी थी. पहले मैंने आपको इसी स्टोरी से बेस एक एनिमेशन भेजा था ताकि आप इसे आराम से समझ सकें. और पीटीएम के बाद मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको मैं वापस से शेयर करूं, क्योंकि आप लोग सब लेजी हो रखे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो. तो इससे कुछ सीखना है स्टोरी से और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है ताकि बीता हुआ समय आपको वापस नहीं मिलेगा. ये टाइम पढ़ने का है, पढ़ना है. ओके. अभी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वाले क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे आंसर बुक्स में हैं. ये क्वेश्चंस आप लोग अपने आप करेंगे और इसका जवाब आप इधर सामने लिखिएगा कि आप डू यू डू योर होमवर्क डेली, आप अपना होमवर्क रोज करते हैं. डू यू स्टडी ओनली व्हेन द एग्जाम्स आर नियर, आप तब पढ़ाई करते हो जब आपके एग्जाम आ रहे हैं. डू यू रिवाइज वेदर इट्स वॉट एवर इज टॉट टू योर यू इन द स्कूल एट होम, आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है आप पढ़ते हो घर पर आके. ये सारे जवाब आप अपने आप से लिखेगा. ओके. तब आपको आप लेजी हैं कि नहीं है पता पड़ जाएगा. ओके. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.